हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाली हूँ सेकंड रोजा। हाँ जी, फर्स्ट रोजा का वीडियो मैंने नहीं बनाया था, क्यों नहीं बनाया वो मैं आगे बताऊंगी। फिलहाल हम चलते हैं इस वीडियो की तरफ। ये है कुछ झलकियाँ जो आपको आगे देखने को मिलने वाली है। और ये मैं स्टार्ट कर रही हूँ पोहा भूनने से, बिकॉज मैं बहुत लेट हो रही हूँ। और ये रसबेरी फ्रूट्स वगैरह जो भी हैं वो सारे काट कौन रहा है, आयरू। हाँ जी, वो आयरू काट रही है, बिकॉज मैं बहुत लेट हो रही थी तो मैं इधर पोहा भी भून रही थी, तो आयरू ने जल्दी जल्दी फ्रूट्स काट रही थी, शरबत वगैरह बना रही थी। तो बट फिर भी वो बहुत स्लो कर रही थी और लेट हो रहे थे हम, तो मैंने फिर ले लिया और वो तब तक शरबत बनाने लग गई। और उसके बाद हमने जल्दी जल्दी काटा और हमारा काम बढ़ाने के लिए छुटकी जो हमारी एंजल, वो आराम से कुछ ना कुछ कर रही थी वहाँ पे साइड में खड़ी है वो, और इसी तरह से वो कुछ ना कुछ बदमाशी करे जा रही थी। और ये अब आयरू अपनी मेहंदी दिखा रही है। आयरू को ज़्यादा मेहंदी नहीं लगाई थी और मैंने भी जैसे तैसे लगाया था। पता नहीं अब इतनी ज़्यादा मतलब बिजी, और वो टाइम फास्ट भागता है ऐसा लगता है कि मैं बता नहीं सकती, तो इसलिए हमने जैसे तैसे मेहंदी लगा लिया था कि यहाँ जब फर्स्ट रोज है। और अब हमने ये इफ्तार रखना स्टार्ट कर दिया है, और सबसे बड़ी जो रोज़ेदार जो है हमारे घर की एंजल, वो स्टार्ट हो गई, इफ्तार स्टार्ट कर दिया। फिर आयरू ने उसे दुपट्टा ला के दिया, और वो दुपट्टा भी देखो ऐसा आज के ज़माने का है। और ये देखो दुपट्टा ओढ़ने वाली लड़की क्या कर रही है, जबकि सब ने दुपट्टा ओढ़ा था, पर फिर भी ये थोड़ी देर के उतार करके ये फेंक दी। कितनी क्यूट लग रही है ये दुपट्टे में, पर इसकी नज़र थी फ्रूट्स पे जो कि मैं आपको अब दिखा रही हूँ। और ये देखो आहा, इसकी स्माइल तो मुझे बहुत पसंद है बहुत उदमास इस आरती भी ऐसे ऐसे करती ना कि मूड ख़राब भी होना तो अच्छा हो जाता है। और ये आयरू शरीफ सी बनी हुई बहुत ही प्यारी लग रही है। और अब हम इफ्तार के लिए वो कर रहे हैं, और अजान यहाँ पे इतने, फिर देखो इन दोनों का हर दो मिनट पे कुछ ना कुछ होता रहता है। अब अजान की आवाज़ आ रही है तो हम इफ्तार कर रहे हैं। और ये रू अफज़ा से स्टार्ट करा था, और पता है इतना इतना प्यास लग रहा था। फर्स्ट रोज़ा मुझे नहीं लगा था, बट सेकेंड में ना मुझे बहुत फील हो रहा था वीकनेस सा। खैर उसके बाद इफ्तार हो गया, और उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ, चुपके से मैं आपको दिखा रही हूँ। इसने प्रॉमिस करा था क्या कि मैं रमज़ान में एक बार भी सिस्टम नहीं खोलूँगी, मतलब यूट्यूब वगैरह नहीं देखूँगी। और जैसे ही इफ्तार ख़त्म हुआ है और आकर के बैठ गई है, और अभी कुछ भी नहीं बोल रही, जब मेरा कैमरा बंद हो गया तब कही मैं क्यों दिखा रही हूँ ऐसे। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी गली का, जो हमारी गली है, और ये सामने जो मस्जिद है, और यहाँ पे ना गली सजाते हैं जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था फर्स्ट रमज़ान के दिन भी, तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। और अभी आप मेरे बैकग्राउंड से आवाज़ भी सुन रहे होंगे अजान वगैरह की। और अब मैं आपको बताती हूँ फर्स्ट रोजा का क्या होता है। फर्स्ट रोजा को ना मेरा सिलेंडर जो है ना ख़त्म हो गया था सहरी के टाइम। हमने सहरी तो कर ली थी, बट ये हमारा रह गया था इफ्तार। और सिलेंडर वाला जो है ना वो अच्छे से जाने वाला है, तो वो जब बोलो ना वो ला करके भिजवा देता है हमें सिलेंडर, बट उसने नहीं भिजवाया क्योंकि उसने ड्रिंक करा हुआ था, उसे एड्रेस ही नहीं समझ आ रहा था। फिर नेक्स्ट डे उस दिन फिर मैंने सामने ही नीचे हमारे सिलेंडर वाला है एक, तो हमने उसको बोल करके बोला तो उसने हमें एक सिलेंडर भिजवा दिया। इसलिए हमारा फर्स्ट रमज़ान में इफ्तार नहीं बना था, और शाम में खाना वाना फिर बन गया था सिलेंडर आने के बाद। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, यही थी हमारी दास्तां।